और भाई सिंचन, कैसी रही आज की पार्टी? अरे फ्रेंकली भैया, आज की पार्टी में तो मजा ही आ गया। अबे कलवे भाई, सारा बर्गर तो तू ही खा गया था भाई, मेरे को तो खाने ही नहीं दिया। अबे भाई मैं क्या करता फिर भाई, जब तू खा ही नहीं रहा था तो फिर मैं क्या करता भाई, मेरे को लगी थी। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अबे भाई कलवे फटवा दिया तूने। अरे फ्रेंकली भैया बचाओ। अरे बाप रे गाइस, ये अचानक से क्या हो गया? चलते चलते हमारी कार ये ब्लास्ट कैसे होगी भाई? अरे सिंचन और चॉप, तुम ठीक तो हो ना भाई? अरे फ्रेंकली भैया हम तो ठीक हैं, पर ये हमारी कार की क्या हालत होगी? अरे भाई पता नहीं ये क्या हुआ, हमारी कार अचानक कैसे फट गई। और भाई चॉप तू तो ठीक है ना? अब कल भाई मैं भी ठीक हूँ। ओ भाई वो तो शुक्र है। एक मिनट, ये क्या? अरे ये तो गॉड बिलू हल्के, ये यहाँ पर कैसे अचानक से गिरा ऊपर से भाई? ये सब क्या हो रहा है? अरे बाप रे, मेरे साथ तो बहुत ही गलत हुआ है, प्लीज मेरी मदद कर दो फ्रैंकलिन। अरे भाई गॉड बिलू हल्क हो क्या गया, तू इतना क्यों रो रहा है भाई? अरे भाई फ्रैंकलिन, मैं तुझे बताता हूँ हुआ क्या है। असल में मैं अपने लॉस सैंटोस का सबसे ही बड़ा जायंट ब्लू टाइटन हुआ करता था, और मैं सबकी मदद किया करता था कि अचानक से हमारे लॉस सैंटोस में आ गया जायंट रेड सन गॉड पर्सियस, और उसने आके पूरे शहर में तबाही मचानी शुरू कर दी। और जब मैंने उसको रोकने की कोशिश की तो उसने मेरे को बहुत बुरी तरह से पीटा और मेरे सभी सूटों को छीन कर एक ऑनलाइन साइट पर अपलोड कर दिया और मुझे उससे ब्लॉक कर दिया, जिससे कि मैं कभी भी अपनी ऑनलाइन साइट पर जाकर उन सूटों को ना खरीद पाऊँ। ये तो मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ है फ्रैंकलिन, तू प्लीज़ मेरी मदद कर। मैं तुझे यहाँ पर एक सूट दूंगा और साथ में एक स्मार्टफोन और एक उसमें साइट भी दूंगा, जिसकी मदद से तू सूट खरीद कर अपने आप को पावरफुल बनाकर उसको हरा सकता है। एक मिनट, ये क्या? अरे भाई तूने तो मुझे यहाँ पर एक ब्लू हल्का सूट दे दिया है। हाँ भाई फ्रैंकलिन, मैं तुझे यहाँ पर एक स्मार्टफोन भी देता हूँ। देख भाई, इसके अंदर तेरे को एक बहुत ही स्पेशल सी शॉप देखने को मिलेगी, उस शॉप से मैं तो सूट नहीं खरीद पाऊंगा, पर तो उस शॉप का यूज करके सूट जरूर से खरीद सकता है। अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है भाई, मैं यहाँ पर अपना स्मार्टफोन निकाला और यह तो शॉप लॉक है भाई, जल्दी इसको अनलॉक कराइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ओपी लिख दीजिए दोस्तों, उससे यहाँ पर ये शॉप अनलॉक हो जाएगी। प्लीज दोस्तों जल्दी से कीजिए ना। अरे वाह गाइस, देखिए यहाँ पर शॉप तो अनलॉक हो चुकी है और शॉप पर तो भी फिलहाल सभी सूट लॉक हैं। इन सूटों को अनलॉक कराने के लिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। चलो खैर, अभी पैसा कमाते हैं और इन सभी सूटों को खरीदेंगे। सिंचन चॉप, तुम अपना ख्याल रखना। अरे ठीक है फ्रैंकली भैया। चलो दोस्तों अभी जल्दी से हम आ चुके हैं अपनी सिटी के अंदर। एक मिनट गाइस, अरे ये तो शायमन का घर है, और ये तो शायमन अपने घर के बाहर बैठ के कितना ही रो रहा है। शायमन भाई क्या हो गया शायमन? अरे बाप रे, मैं बर्बाद हो गया। ये क्या हो गया, मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी की सारी कारें लूट गई है। अरे भाई शायमन इतना क्यों रो रहा है फूट फूट कर? किसने चुरा ली भाई तेरी कार? मुझे बता तो सही, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई कौन है तू? मैं फ्रैंकलिन। तू चिंता ना कर, अभी मैं पता लगाता हूँ उसको। भाई पता ही नहीं है किसने चुराई उसकी कार, बट गाइस हम पता लगाएंगे उसके घर के सीसीटीवी फोटेज को चेक करके। तो गाइस देखिए ये रहा टीवी, अभी यहाँ पर चेक करते हैं कि एक मिनट गाइस ये मैं क्या देख रहा हूँ। अरे शुरू स्टार्टिंग में ही मुझे यहाँ पर ब्लैक फ्रैंकलिन देखने को मिल गया भाई। अब तो मैं समझ गया, पक्का समझ गया, 100% समझ गया कि ब्लैक फ्रैंकलिन ने ही यहाँ पर शायमन की कार को चुराया है। चलो खैर अभी यहाँ पर फ्रैंकलिन की ब्लैक फ्रैंकलिन की आवाज को और सुनते हैं। अरे वाह, आज तो मजे ही आ जाएंगे यहाँ पर शायमन की कार को चुरा कर, क्योंकि शायमन की कार बहुत ही महंगी महंगी होती हैं, और जाके उसको बेच डालूंगा गोल्डन रिवेंजर हल्क को। चलो अभी जल्दी से यहाँ पर इसको ही लेकर चलते हैं, ये डायमंड वाली कार है, बहुत ही महंगी और बहुत ही अच्छी। अरे वाह, चलाने में क्या ही मजा आ रहा है इसको, चलो जल्दी। अरे गाइस देखा आप सभी ने, ये ब्लैक फ्रैंकलिन की क्या जैसा खुद है ना काला, वैसी ही काली कर दो तय है इसकी। चलो खैर इसको हम छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई शायमन अब तो रो मत भाई, तो बिल्कुल सैड मत हो, मुझे पता चल गया है तेरी कार को किसने चुराया है। अरे भाई किसने चुराया है?
तेरी कार को चुराया ब्लैक फ्रैंकलिंग ने। अच्छा, उस ब्लैक फ्रैंकलिंग की इतनी हिम्मत? हाँ भाई, वो बहुत ही बड़ा चोर है। बट तू बिल्कुल चिंता न कर, अभी चलो दोस्तों जल्दी से चलते हैं सीधा ब्लैक फ्रैंकलिंग के अड्डे पर, क्योंकि गाइस मुझे मालूम है ब्लैक फ्रैंकलिंग कहाँ पर रहता है। तो गाइस ब्लैक फ्रैंकलिंग रहता है माउंट चिलियार्ड पर। तो गाइस देखिए हम माउंट चिलियार्ड पर पहुँच गए। ओ भाई देखिए कितना ही ज़्यादा खुश हो रहा है। और भाई ब्लैक फ्रैंकलिंग क्या हाल है तेरे? अरे मज़े आगे मज़े, कौन है तू? मैं फ्रैंकलिंग। अरे फ्रैंकलिंग, तू तो मेरा दुश्मन है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं यहाँ पर तुझसे पता लगाने के लिए आया हूँ कि शायमन की कार कहाँ है। अरे नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा तो मैं तुझे यहाँ पर पीटूंगा। अरे बाप रे, अरे छोड़ दे मेरे को। ए तू मुझे यहाँ पर नहीं पीट सकता। क्यों नहीं पीट सकता? ये ले, मैं तेरे को यहाँ पर खत्म कर दूंगा। अरे बाप रे, मार डाला, बचाओ। कोई तुझे यहाँ पर नहीं बचाने के लिए आएगा। जब तक तू मेरे को नहीं बताएगा कि कहाँ पर है शायमन की कार, तब तक मैं तेरे को यहाँ पर पीटता ही रहूंगा, समझा? अरे बताता हूँ, प्लीज मेरे को मत मारना। शायमन की कार को मैंने गोल्डन रिवेंजर हल्क को बेच डाला है। मार डाला है, बचाओ कोई मेरे को। अरे तुझे यहाँ पर कोई नहीं बचाएगा। गाइस आपने सुना, शायमन की कार को इसने गोल्डन रिवेंजर हल्क को बेच डाला है। हाँ तो गाइस मुझे गोल्डन रिवेंजर हल्क के अड्डे के बारे में भी मालूम है। चलो अभी जल्दी से चलते हैं और वहां पर जाकर गोल्डन रिवेंजर हल्क से बोलेंगे कि वो शायमन की कार को मुझे वापसी कर दे। और हाँ गाइस, गोल्डन रिवेंजर हल्क भी बहुत ही बुरा है, वो मुश्किल से ही देगा यहाँ पर शायमन की कार को। बट गाइस उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ तो गाइस देखिए यहाँ पर काफ़ी ही सारी कार है, बट गाइस इनमें से कौन सी शायमन की कार है? एक मिनट, अरे गाइस देखिए ये रही शायमन की कार। ओ भाई अलग ही दिख रही है, ये डायमंड की कार है भाई, बहुत ही महंगी। वो भाई साहब देखिए ये तो कुछ भी नहीं लग रही है उस कार के आगे। अरे वाह, मेरे पास में बहुत ही महंगी महंगी लग्जरी कारें। अरे भाई देखिए ये गोल्डन रिवेंजर कितना ही ज़्यादा खुश है। चलो अभी जाके इससे बात करते हैं। ए गोल्डन रिवेंजर हल्क, गोल्डन रिवेंजर हल्क, आओ बरखुरदार आओ। कैसे आना हुआ, कोई कार वार खरीदनी है क्या? अरे मुझे कार खरीदनी नहीं है, मुझे यहाँ पर शायमन की कार चाहिए जो कि तुझे ब्लैक फ्रैंकलिंग बेच कर गया था। क्या शायमन की कार? मेरे पास कोई शायमन की कार नहीं है। और कौन सा ब्लैक फ्रैंकलिंग? मैं तो ब्लैक फ्रैंकलिंग को जानता भी नहीं हूँ। और ये क्या, आते ही तूने मुझे यहाँ पर पीटना शुरू कर दिया? ए रुक जा कीड़े, वरना मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अरे तू झूठ बोलता है, मैं तुझे यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। सीधी तरह से मुझे शायमन की कार लौटा दे, ये क्या कर रहा है तू? मैं तुझे यहाँ पर मार डालूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ चलाने की? अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अरे बाप रे गाइस, बचाओ गाइस, ये तो बहुत ही गलत हो गया। आया था बेवकूफ यहाँ पर मुझे पीटने के लिए, हाँ मजे आ गए। अरे गाइस देखा आप सभी ने, इस गोल्डन रिवेंजर हल्क ने मुझे कितनी बुरी तरह से पीटा। एक मिनट गाइस देखिए यहाँ पर तो काफी ही सारा गोल्ड रखा हुआ है, क्यों ना गाइस एक काम करें, इस गोल्ड को अपने अकाउंट में ले लें भाई। अरे इससे तो हमारा बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। चलो अभी जल्दी से देखते हैं कि ये कितने मिलियन डॉलर का बैठेगा। 1, 2 और 3। ओह माय गॉड, लिटरली गाइस देखिए मेरे अकाउंट में पूरे $20,000 आ चुके हैं। और गाइस $20,000 में देखिए मेरी शॉप पर दूसरा सूट अवेलेबल है। चलो जल्दी से इसको बाय करते हैं और देखेंगे कि ये सूट कैसा होगा। भाई देखिए लिटरली गाइस मैं तो यहाँ पर पहले से काफी ही ज्यादा पावरफुल गॉड ब्लू हल्क बन गया। अरे वाह, ए गोल्डन रिवेंजर हल्क, अब देख मैं तुझे यहाँ पर कैसे मजा चखाऊंगा। अच्छा तू मेरे को मजा चखाएगा? अरे बाप रे ये क्या, ए छोड़ मेरे को, और तू पहले से इतना पावरफुल कैसे हो गया? अरे मैं तुझे क्यों बताऊं, मैं तुझे यहाँ पर खत्म कर दूंगा। अरे बाप रे, कोई बचाओ मेरे को, कोई तुझे यहाँ पर नहीं बचाएगा। अच्छाई की सब मदद करते हैं, बुराई की कोई मदद नहीं करता। गाइस देखिए मैंने यहाँ पर किस तरह से गोल्डन रिवेंजर हल्क को पीटा। चलो खैर गाइस एक काम करते हैं, अभी जल्दी यहाँ पर ये जो साइमन की डायमंड वाली कार है इसको यहाँ से लेते हैं और सीधा साइमन को जाके बेचारे को वापसी कर देंगे, क्योंकि गाइस साइमन बेचारा बहुत ही ज़्यादा फूट फूट के रो रहा था। और गाइस साइमन का रोना मुझ पर देखा नहीं गया, क्योंकि साइमन मेरा बहुत ही अच्छा वाला दोस्त है, क्योंकि मैं अक्सर उसके पास में कार ले जाता हूँ और ले जाके बेच देता हूँ, और साइमन मेरी हर कार को खरीद लेता है। कभी भी आज तक उसने मुझसे मना नहीं किया कि मैं भाई इस कार को नहीं खरीदूंगा, क्योंकि साइमन मेरा दोस्त है ना। तो चलिए दोस्तों फाइनली हम पहुंच तो गए साइमन के घर पर। ले भाई साइमन, मैं तेरी कार को लेकर आ गया। अरे वाह भाई वाह, फ्रैंकलिंग तू बहुत बहादुर है। हाँ भाई देख, मैं तेरी कार को लेकर आ गया ना, अब तू भाई बिल्कुल मत रोना ठीक है, अब तू बिल्कुल खुशी
खुशी से अपने घर जा और जाके आराम कर। हाँ ठीक है भाई, पर तू ऐसे नहीं जा सकता, मैं तुझे यहाँ पर इनाम देकर भेजूंगा मेरे भाई। अच्छा इनाम, अरे वाह गाइस, देखिए शायमन पहले यहाँ पर अपनी कार को देख रहा है भाई, उसके बाद मुझे यहाँ पर शायमन ने इनाम देने की बात की है। हाँ तो भाई फ्रैंकलिन बता, तुझे कितने मिलियन डॉलर का इनाम चाहिए? अरे भाई तू अपनी ही मर्जी से दे दे भाई, मैं ऐसे कह के नहीं ले सकता। अच्छा भाई ठीक है, तो मैं तुझे यहाँ पर पूरे 2 मिलियन डॉलर का इनाम ट्रांसफर कर दिया हूँ। अरे वाह गाइस, मुझे यहाँ पर शायमन ने पूरे 2 मिलियन डॉलर का इनाम दिया है। ठीक है तो भाई शायमन मैं चलता हूँ, तो अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है भाई, और कोई भी मुसीबत पड़े तो भाई मुझे याद कर लेना। चलो दोस्तों अभी जल्दी एक काम करते हैं, क्यों ना हम यहीं पर अपना स्मार्टफोन निकालें और गाइस शॉप खोलें उसमें और देखें कि अरे वाह गाइस देखिए 2 मिलियन डॉलर में मेरी शॉप पर तीसरा वाला सूट अवेलेबल है। चलो जल्दी से इसको बाय करते हैं। अरे वाह गाइस देखिए, मैं तो यहाँ पर कितना ही खतरनाक ब्लू रिपेंसर हल्क बन गया। अरे वाह गाइस मेरे तो मजे ही आ गए। चलो दोस्तों अभी जल्दी से हम यहाँ से चलते हैं, और गाइस अभी तो हमें और पैसा कमाना है भाई, क्योंकि अभी मेरी शॉप पर 2 सूट और रह गए बाकी। अभी गाइस मुझे उन सूटों को भी तो बाय करना है, तो चलो गाइस जल्दी चलते हैं। एक काम करते हैं, कोई न्यूज वगैरह देखते हैं क्या चल रहा है आजकल हमारे शहर में, देखें तो सही भाई, जल्दी देखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, हमारे लॉस सैंटोस में एक बहुत ही खतरनाक सा रेस चैलेंज होने जा रहा है, जो भी जाके उसमें पार्टिसिपेट लेगा जीतने के बाद उसको इनाम मिलेगा। अरे वाह गाइस ये तो बहुत ही मजे की बात है, रेस चैलेंज होने जा रहा है भाई, और रेस करने में तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। चलो दोस्तों अभी जल्दी चलते हैं और जाकर मैं भी रेस में भाग लूंगा। अरे भैया मुझे भी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, मैं भी यहाँ पर रेस चैलेंज में भाग लेना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, तुम यहाँ पर कभी पहले रेस किए हो? अरे हाँ, और मैंने रेस की है पहले, मैं बहुत ही अच्छे से रेस करना जानता हूँ। अच्छा तो ठीक है, हम तुम्हें यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं और तुम्हारे साथ में रेस करेंगे स्पाइडरमैन और डेडपूल। अच्छा स्पाइडरमैन और डेडपूल भी मेरे साथ में? अरे वाह फिर तो और ज्यादा मजा आएगा। और तुम्हें इस रेस को पूरा करने के दिए गए हैं 5 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा हुई तो तुम हार जाओगे और तुम्हें सजाए मौत मिलेगी। अरे बापरे, ये क्या सजाए मौत हारने पर? ओ नो, ये तो बहुत ही गलत बात है। पर दोस्तों मैं वैसे भी यहाँ पर कौन सी हारने वाला थोड़ी हूँ भाई, और सोचिए अगर 1% में हार भी गया तो भाई मैं तो यहाँ पर मुश्किल ही बच पाऊंगा। अरे बापरे भाई साहब, बाल बाल बच गया, वरना अभी पहाड़ियों से नीचे गिरने वाला था। हाँ तो गाइस मुझे यहाँ पर डेडपूल और स्पाइडरमैन के साथ में रेस करने के लिए मिली है, और गाइस जल्दी मुझे इन दोनों से आगे निकलना होगा। ए स्पाइडरमैन तू मुझे नहीं पकड़ सकता, और नहीं डेडपूल तू, मैं तुम दोनों से आगे जाऊंगा रेस में। हाँ हाँ मजा ही आएगा, चलो जल्दी जल्दी। अरे फ्रैंकलिन रुक जा, फ्रैंकलिन तू नहीं जीत सकता। अरे क्यों नहीं जीत सकता स्पाइडरमैन, मैं जीत के रहूंगा। अरे फ्रैंकलिन, ओ फ्रैंकलिन रुक जा फ्रैंकलिन। अरे गाइस देखिए ये डेडपूल बोल रहा है, अबे भाई मैं क्यों रुक जाऊं, अगर मैं इस तरह से रुका तो मैं यहाँ पर हार जाऊंगा ना, और मुझे हारना नहीं, मैं यहाँ पर हारने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर जीतने के लिए आया हूँ, समझा भाई डेडपूल। अच्छा जीतने के लिए आया है तो रुक जा, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे गाइस ये डेडपूल तो मेरे से जल रहा है भाई, अबे भाई तू जल क्यों रहा है, ये क्या कर रहा है तू? मैं तुझे यहाँ पर मारूंगा और तेरी कार को भी फाड़ डालूंगा। ओह नो गाइस ये तो बहुत ही गलत हो गया, देखिए डेडपूल मुझे कितनी बुरी तरह से पीट रहा है, ये तो सरासर चीटिंग कर रहा है डेडपूल। तू डेडपूल तू कभी नहीं जीत सकता। अरे क्यों नहीं जीत सकता, मैं ही जीतूंगा, स्पाइडरमैन को भी नहीं जीतने दूंगा। मजा ही आ जाएगा, चलो जल्दी। ए स्पाइडरमैन रुक जा। अरे मैं नहीं रुकूंगा, हाँ मैं यहाँ पर जीतूंगा। अच्छा तू यहाँ पर जीतेगा, रुक मैं तुझे कभी भी आगे नहीं जाने दूंगा, मैंने फ्रैंकलिन को तो मजा चखा दिया है, अब तुझे भी मजा चखाऊंगा। अरे बाप रे, अरे कोई मेरे को बचाओ वरना ये मेरे को मार डालेगा। नहीं, अरे कोई तुझे यहाँ पर नहीं बचाएगा, डेडपूल ही यहाँ पर जीतता है हमेशा से, डेडपूल ही आज भी जीतेगा। हट यहाँ से मेरे रास्ते से कीड़े, चल निकल यहाँ से, अब मुझे आगे जाने दे, टाइम बहुत ही कम बचा है। मजा आ जाएगा। अरे गाइस देखिए टाइम तो वाकई बहुत कम बचा है, और ये डेडपूल तो सभी मार कर आगे बढ़ते जा रहा है भाई, और स्पाइडरमैन को भी आगे नहीं जाने दे रहा है। गाइस अब मैं क्या करूँ क्या करूँ, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गाइस मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। अरे वाह गाइस देखिए मुझे यहाँ पर एक और
बहुत ही बेहतरीन सी लग्जरी कार दिखी है, मैं उसमें बैठ भी गया और अभी जल्दी यहाँ से जा भी रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, आप सब मेरे साथ रहना और जल्दी जल्दी मेरी मदद कर दो, वरना तो गाइज मैं यहाँ पर हार जाऊँगा। जल्दी जल्दी कीजिए ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए नहीं क्या है तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। डेडपूल, स्पाइडरमैन, तुम मेरे से आगे नहीं जा सकते, मैं तुम्हें कभी भी नहीं जीतने दूंगा, मैं ही यहाँ पर जीत के रहूँगा। चलो दोस्तों जल्दी जंप लगाते हैं यहाँ से, क्योंकि गाइज सामने ही है फिनिश लाइन। चलो जल्दी। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अरे ये तो होना ही था। अरे गाइज मेरी कार में भी आग लग गई, बट गाइज देखिए फाइनली मैं यहाँ पर जीत गया, ये मजे आ गए। अरे वाह गाइज, चलो खैर ये तो बहुत ही सही हुआ। तो गाइज अभी देखते हैं हमें कितना इनाम। ओह भाई, पूरे $10 मिलियन का इनाम मिला है। चलो दोस्तों ये तो बहुत ही सही हो गया। एक काम करते हैं, जल्दी अपना स्मार्टफोन निकालते हैं और शॉप खोलते हैं और देखते हैं कि $10 मिलियन में मेरी शॉप पर कोई सूट। अरे गाइज ये क्या, ये तो $20 मिलियन में है और मेरे पास में है $10 मिलियन। चलो खैर अभी $10 मिलियन का और कहीं से इंतजाम करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम बाकी के सूटों को खरीद लेंगे। भाई एक मिनट, ये बैंक के बाहर इतनी भीड़ कैसे जमा हो रही है भाई, और ये बैंक के अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? गाइस क्या हो रहा है यहाँ पर, मुझे बात करनी होगी इनसे। हे भैया ये क्या हो रहा है यहाँ पर, आप बैंक के अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? अरे भैया बैंक के अंदर कुछ अर्जेंटली काम हो रहा है। क्या बैंक के अंदर काम हो रहा है, तो फिर मुझे जाने दीजिए, मैं देख कर आता हूँ क्या काम हो रहा है। अरे नहीं जाने दे सकते। अच्छा नहीं जाने दे सकते, ये लीजिए मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। जरूर से बैंक के अंदर कोई काम वाम नहीं, चोरी वोरी हो रही होगी। एक मिनट गाइस, देखिए भाई मुझे जिस बात का शक था वो यहाँ पर सही निकली भाई। गाइस देखिए यहाँ पर कितनी खतरनाक टीम है और यहाँ पर कैसे बंदों को किडनैप करके रखा है। हम तुम्हें यहाँ पर मार डालेंगे, चोरी करेंगे चोरी। अच्छा तुम यहाँ पर चोरी करोगे, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। ए चोरो निकलो यहाँ से। अरे गाइस देखिए कैसे यहाँ पर ये चोरी करने के लिए हैं, अब देखना मैं यहाँ पर कैसे पीटूंगा इस रेड रिवेंजर हल को। अरे बाप रे कितनी बुरी तरह से मार रहा है, यह छोड़ दे मेरे को। और आज छोड़ दे मेरे को, नहीं छोड़ूंगा। ये लो मैं तुम्हें यहाँ पर चोरो बहुत बुरी तरह से पीटूंगा। गाइस देखा आपने, यहाँ पर लॉस सैंटोस की पब्लिक बेचारे मेहनत से कमा कमा के यहाँ पर बैंक के अंदर पैसा जमा करते हैं और यहाँ पर ये चोर आते हैं और एक ही दफा में सारे बैंक को खाली करके चले जाते हैं। एक मिनट गाइस, यहाँ पर ये पब्लिक कैसे मरी हुई पड़ी है भाई। और ओ भाई, अरे गाइस देखिए चोर पैसा लेके भाग गया और गोल्ड भी। ओ भाई जल्दी मुझे इसे पकड़ना होगा। अरे मैं किसी के हाथ नहीं आऊंगा। अरे क्यों हाथ नहीं आएगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, रुक जा। अरे गाइस शायद ये रेड रिवेंजर हल्के जो सारे गोल्ड को लेकर भाग रहा है, गोल्ड से भरे ट्रक को लेकर जा रहा है। नहीं गाइस मैं इसका पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक इसको पकड़ के पीट नहीं दूंगा। ए रुक जा। अरे मैं तुझे नहीं दूंगा इस गोल्ड को। अच्छा नहीं देगा, तो मैं कौन सी तुझसे मांग रहा हूँ, मैं तो तुझसे जबरदस्ती इसको छीन लूंगा। अच्छा पहले मुझे पकड़ के तो दिखा। अच्छा पकड़ के दिखाऊं, अभी दिखाता हूँ बच्चू, अब तू नहीं बच सकता। अरे गाइस ये क्या, ये तो मेरी कार में अपने ट्रक से साइडे मार रहा है भाई, क्या करूँ क्या करूँ। अरे दोस्तों आप मेरी मदद कीजिए, जल्दी कमेंट में हार्ड वाली इमोजी स्पैम कर दीजिए, उससे मेरी कुछ हेल्प हो जाएगी। अरे रुक जा। नहीं रुकूंगा, मजा आ गया, अब तो मैं इस गोल्ड से एक गोल्ड की कार बनवाऊंगा, एक गोल्ड का एरोप्लेन बनवाऊंगा, मजा आएगा। अच्छा बच्चू, अरे बाप रे गाइस ये क्या, मेरी तो कार यहाँ खजूर के पेड़ से टकरा गई। बट गाइस देखिए मैंने भी फाइनली इसको घेर लिया, अब देखना मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अरे बाप रे, अरे यहाँ से कैसे निकलो, अरे बाप रे मार डाला बच्चा। अरे कोई तुझे यहाँ पर नहीं बचाएगा। गाइस इसके चक्कर में मेरी यहाँ पर कार भी फट गई, बट गाइस देखिए मैंने यहाँ पर इसको नीचे गिरा डाला। अरे बाप रे छोड़ दे मेरे को, नहीं छोड़ूंगा। गाइस देखिए फाइनली मैंने यहाँ पर अभी इसको बेहोश कर दिया है और हो सकता है शायद ये मर भी गया हो, तो चलो जल्दी काम करते हैं, बैठते हैं अपने ट्रक में और जल्दी यहाँ से इसको लेके निकलते हैं भाई, कभी इसको होश आ जाए या फिर इसकी यहाँ पर और कोई टीम वगैरह आ जाए और आने के बाद मेरे को यहाँ पर घेर लें, क्योंकि गाइस मैं हूँ यहाँ पर अकेला और टीम तो भाई बहुत खतरनाक होती है, आपको तो मालूम ही है। चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं और जाकर लॉस सैंटोस की पब्लिक जब इस गोल्ड को देखेगी तो बेचारे वो फिर
से खुश हो जाएंगे, फिर से उनके मन में खुशियां जाग उठेंगी, क्योंकि गाइस बहुत ही मेहनत करके ये सब इकट्ठा करते हैं। तो देखिए भाई लोग, मैं आपके गोल्ड को लेकर फिर से वापस आ गया हूँ। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे ये कितना बहादुर है, इसके लिए तालियां बजाओ। अरे हाँ, इसके लिए तालियां बजाओ, और हम यहाँ पर भाई तेरे को इनाम भी देंगे। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे हो, आप मुझे बस थैंक्स बोल देते हो, मुझे उसी से आपका सब्र हो जाता है। अरे नहीं नहीं, हम तुम्हें फिर भी इनाम देंगे, तुमने बहुत ही बहादुरी का काम किया है, लो इनाम में पूरे $10 मिलियन। अरे वाह गाइस, देखिए मुझे यहाँ पर इनाम में पूरे $10 मिलियन मिल गए। चलो दोस्तों, अभी जल्दी हम यहीं पर अपना स्मार्टफोन निकालते हैं और गाइस देखते हैं, $10 मिलियन तो हमारे पास थे, $10 मिलियन और मिले, $20 मिलियन हो गए, और $20 मिलियन में मेरी साइड पर चौथा सूट अवेलेबल है। चलो जल्दी इसको बाय करते हैं। अरे वाह गाइस, देखिए मैं तो यहाँ पर वेरी जायंट ब्लू हल्क बन गया। अरे वाह गाइस, मजे आ गए मेरे तो। चलो दोस्तों, अभी जल्दी चलते हैं और पैसों का इंतजाम करेंगे और लास्ट वाले सूट को भी खरीदेंगे और उसके बाद रेड सन गॉड को हराएंगे। एक मिनट, ये किसकी कॉल आ रही है भाई, जल्दी देखते हैं। हाँ भाई कौन? अरे भाई मैं बोल रहा हूँ, गॉड ब्लू हल्क। अरे हाँ भाई बता क्या हुआ? अरे भाई फ्रैंकलिन मुझे किडनैप कर लिया, रेड सन गॉड ने मुझे बचा ले। अरे ठीक है भाई मैं आता हूँ। अरे ये तो बहुत ही गलत हो गया, रेड सन गॉड ने बेचारे गॉड ब्लू हल्क को किडनैप कर लिया है, जिसने मुझे सूट दिया था। चलो दोस्तों, अभी जल्दी जाके उसे बचाएंगे रेड सन गॉड के चुंगल से। ए रेड सन गॉड, कौन है? अरे मैं हूँ यहाँ पर फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन, अरे ये क्या? और ये तो वही सूट है जिनको मैंने ऑनलाइन साइट पर अपलोड किया था। अरे भाई मुझे बचा ले, वरना अब ये तेरे को भी मारेगा। अरे भाई तू चिंता ना कर गॉड ब्लू हल्क, अब मैं इसको खत्म कर दूंगा। अच्छा तू मुझे यहाँ पर खत्म करेगा? अरे तू जानता नहीं है मेरे बारे में, मैं कितना ही खतरनाक हूँ। अच्छा मैं जानता हूँ तेरे बारे में अच्छे से, पर तू नहीं जानता कि मैं कितना खतरनाक हूँ। अच्छा अभी चल देखते हैं यहाँ पर कौन किसको हराएगा भला। अच्छा चल ठीक है, देखते हैं कौन किसको हराएगा। अब देख बच्चू, तू यहाँ पर नहीं बचेगा। अरे दोस्तों ये मैंने क्या बोल दिया गुस्से गुस्से में भाई, ये तो मेरे से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और मेरे पास में तो अभी इतना पैसा भी नहीं है कि मैं अपने लास्ट वाले सूट को खरीद पर इसको हरा पाऊं। अब तो तू फंस गया बच्चू, अब तू मरेगा और तेरे मैं सूट को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तुझे यहाँ से एक बहुत दूर खतरनाक से वर्ल्ड में भेज दूंगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे बाप रे गाइस, अब तो ये मेरे को मार डालेगा, कोई मुझे बचाओ, अरे कोई मेरी मदद करो, वरना मैं यहाँ पर अब मर जाऊंगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज हेल्प मी। अरे बाप रे गाइस, एक मिनट, ये मैं कौन से वर्ल्ड में आ गया? अरे गाइस ये तो लावा वर्ल्ड है और यहाँ पर कितनी गर्मी है। अरे बाप रे, कोई मेरी मदद करो गाइस, मेरा सूट भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे अंदर आग लग गई, नहीं बचाओ। अरे गाइस जल्दी से कमेंट में कोई वाटर वाली मुझे स्पैम कर दीजिए, जल्दी से, उससे मेरी आग बुझ जाएगी। अरे गाइस देखिए यहाँ पर कितना ही खतरनाक लावा फैला हुआ है चारों तरफ। चलो गाइस एक मिनट, ये किस तरह का पोर्टल है, क्यों ना इस पोर्टल के अंदर जाकर देखें, हो सकता है कभी मैं इस वर्ल्ड से बाहर निकल जाऊं, या फिर हो सकता है इससे भी खतरनाक ट्रैप का शिकार। अरे बाप रे गाइस, लगता है मैं अपने वर्ल्ड में वापस आ गया, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर कितनी ही अमन शांति है, यहाँ पर कितना ही आराम है। चलो गाइस अभी जल्दी मुझे पहले तो सबसे पहले पैसों का इंतजाम करना है, बट गाइस मैं इतना पैसा कहाँ से लेकर आऊंगा, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया है। एक तो वो रेड सन गॉड ने मेरे सूट को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं, देख लूंगा उसको बस एक दफा। एक मिनट गाइस ये क्या? अरे गाइस देखिए इस घर में तो कितना सारा गोल्ड है, जरूर से ये डॉक्टर मिक्सिट हल्क का घर होगा। चलो खैर उनका गोल्ड हम उन्हें बाद में वापसी कर देंगे, फिलहाल तो मैं इसको यूज करता हूँ। ओ भाई मेरे अकाउंट में देखिए पूरे $50 मिलियन आ गए हैं। चलो दोस्तों जल्दी एक काम करते हैं, हम यहीं पर अपना स्मार्टफोन निकालते हैं और देखते हैं कि कोई $50 मिलियन में मेरी शॉप पर कोई सूट वूट। अरे वाह गाइस देखिए $50 मिलियन में मेरी शॉप पर लास्ट वाला सूट अवेलेबल है। चलो दोस्तों अभी जल्दी से इसको बाय करते हैं और देखेंगे कि ये कैसा होने वाला है भाई, इसका साइज वाइज कितना होगा, देखे तो सही। ओ माय गॉड, लिटरली मैं गाइस देखिए मैं तो यहाँ पर रेड सन गॉड की टक्कर ले पा रहा हूँ भाई, इसकी ही बराबर हो गया मैं। हाँ पर तू मेरे से अभी भी पिद्दी है, मैं तुझे हरा दूंगा। अच्छा तू मुझे यहाँ पर हरा देगा, चल देखते हैं कि आज यहाँ पर कौन किस
इसको हराए भला। चल ठीक है, देखते हैं अब मैं तुझे यहाँ पर मार डालूंगा। अच्छा तू मुझे यहाँ पर मारेगा, ये ले अब मैं तेरे पर अटैक करूंगा। अरे बाप रे, तू मेरे पर कितनी खतरनाक से अटैक कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। अरे गाइस देखा आपने, मैं अपने सूट के अंदर हूँ और अभी आपने मेरे को देखा होगा मैं अपना सूट पहन के कैसे यहाँ पर इसको हरा रहा हूँ। अरे बाप रे, गिरा दिया, बचाओ, कोई तुझे यहाँ पर नहीं बचाएगा। गाइस फाइनली मैंने यहाँ पर रेड सन गॉड पर्सियस हल्क को हरा दिया। आया था यहाँ पर हमारे लॉस सैंटोस को तबाह और बर्बाद करने के लिए। गाइस देखा मैंने यहाँ पर इसको खत्म कर डाला और बेचारे गॉड ब्लू हल्क की मदद कर दी। गॉड ब्लू हल्क भी बहुत ज्यादा लाचार था, उसके सभी सूटों को मैंने बाय कर लिया है फिर से और अपने लॉस सैंटोस को भी बचा लिया। और गाइस देखिए सिंचेन और चॉप भी कितनी ज्यादा खुश हैं। अरे वाह 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 वाह, फ्रैंकलिन तो बहुत बहादुर है। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया, आपने बहुत ही सही किया यहाँ पर उसको हरा कर। अबा वाह कलवे, तू बहुत ही बहादुर है भाई। हाँ तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कॉमेंट में बताइए, और ये जो आपके सामने स्क्रीन पर वीडियो आ रहे हैं इन पर क्लिक करके इन वीडियोस को भी देख लीजिए, काफी ही ज्यादा मजा आएगा। बाय बाय दोस्तों।